और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, जहां तर्क है वहां नरक है, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। और घर में भी अगर घर को स्वर्ग बनाना हो तो घर में तर्क नहीं करनी चाहिए, और जहां तर्क है वो घर स्वर्ग नहीं वो नरक है। घर को स्वर्ग बनाना हो तो समर्पण होना चाहिए, उसमें कभी तर्क ना होनी चाहिए। कबीर दास जी से किसी संत ने जाके पूछा कि तुम्हें शादी करते हुए इतने दिन हो गए और कभी तुमने आज तक कभी शादी के बाद पत्नी को टाइम नहीं दिया, 2400 घंटे हर समय धर्म ग्रंथों का लेखन करने में लगे रहते हो और फिर भी इतने दिन हो गए तब भी तुम्हारा दाम्पत्य जीवन में इतना प्यार है, आखिर कारण क्या है? आज तक पत्नी को समय नहीं दिया हो शादी के बाद, हर समय धर्म ग्रंथों का लेखन करने में कबीरदास जी लगे रहते हैं और फिर भी दाम्पत्य जीवन में इतना प्यार है, आखिर इसका कारण क्या है? जिसने जाकर के ये क्वेश्चन किया, ये प्रश्न किया, तो उसने कहा ठहरो, अभी आपका जवाब मिलने वाला है, बहुत देर हो गई। फिर उसने कहा कि मेरा जवाब दो ना, बोल ठहरो अभी जवाब मिल जाएगा। जैसे ही फिक्स 12 जब दोपहर के बज गए और 12 बजे उसी समय कबीर दास जी ने पत्नी को कहा कि लैंटर्न जला के लाना। पत्नी ने अंदर से आवाज लगाई, जी महाराज अभी ला रही हूं। पूछने वाले के होश उड़ गए, मैं तो यहाँ पागलों के बीच में आके फंस गया, ये क्या जवाब देंगे, ये खुद पागल और इसकी पत्नी पागल, दिन के 12 बजे लैंटर्न जला के मंगा रहे हैं और पत्नी भी ऐसी पागल है, वो कह रही है जी महाराज अभी ला रही हूँ, ये पागल हमें जवाब क्या देंगे। खड़ा हो गया और कहा महाराज आज्ञा दो, मैं चला। कबीरदास जी ने कहा कि आप अपने प्रश्न का उत्तर नहीं जानना चाहते हो क्या? बोल बस जान लिया, चलने दो। बोल ठहरो, जवाब लेके जाना, बोल तो जल्दी करो ना। पत्नी आई, लैंटर्न जला के रख गई, चली गई। उसने कहा कि जवाब दो ना महाराज, मुझे देरी हो रही है। कबीरदास जी ने कहा कि अभी भी नहीं समझे क्या, अभी आपको जवाब नहीं मिला क्या? अरे दिन के दोपहर 12 बजे मैंने पत्नी को कहा कि लैंटर्न जला के ला के रखो और वो 12 बजे भी लैंटर्न जला के ला के रख गई, उसने कोई तर्क नहीं की, यही मेरा दाम्पत्य जीवन है। और मैं निवेदन कर रहा हूं ये प्रयोग आप करके देख लेना, घर पे जाके 10 जवाब देगी तेरी फूट गई है, दिन के 12 बजे लैंटर्न मंगा रहा है, जहां तर्क है वहां नरक है और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। विचार करो और यहां पांडवों का समर्पण है, कोई तर्क नहीं। मध्य रात्रि में आके जगाए तो कम से कम इतना तो कह देते कि आपको मध्य रात्रि में आज गंगा स्नान जाना था, तो पहले तो कभी सूचना दी नहीं, पहले नहीं दी तो कम से कम शाम को तो हमें सूचना देते कि आज रात्रि को वहां चलना है, लेकिन कोई तर्क नहीं की। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी बाह बाह है उधर भी बाह बाह है। एक गृहस्थी ने अपनी पत्नी से कहा कि चाय बना के लाना। पत्नी ने कहा क्या करोगे? पति ने कहा स्नान करूंगा। पत्नी ने कहा कि चाय से स्नान किया जाता है क्या? जब जो स्नान नहीं किया जाता ये तुझे मालूम है कि चाय से क्या होता है, तो तर्क करने की जरूरत क्या है, पूछने की क्या करोगे? अरे पीऊंगा ही ना, क्या स्नान करूंगा क्या?
पर तर्क तर्क करने की जिसकी आदत बन गई तो कुछ पूछो ही मत। उसने कहा कि चाय लाना, बोल क्या करोगे? और क्या करोगे? चाय क्या क्या स्नान करूंगा क्या? पर उसने कहा स्नान करूंगा। चाय से स्नान किया जाता है क्या? तो फिर तुम जानती हो तो तर्क करने की क्या आवश्यकता थी? जहां तर्क है वहां नरक है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। पति पत्नी में इतना प्यार होना चाहिए, व्यवहार। आज ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं, महाराज दिन बहुत खराब चल रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा शनि खराब चल रहा है, किसी का कुछ खराब चल रहा है, किसी का कुछ खराब चल रहा है। मैंने कहा जब तक सातों बारों को अगर तुम्हें ठीक करना है तो आठवें बार को अपने को ठीक बना लो, और आठवां बार तुम्हारा ठीक हो गया तो सातों बार अपने आप ठीक हो जाएंगे। बोल आठवां बार कौन सा? बोल व्यवहार। तुम्हारा व्यवहार सही है तो सब सब सही है, और व्यवहार अगर गलत है तो रोज के दिन खराब है तुम्हारे। व्यवहार सही होना चाहिए। आजकल पत्नियां दिन में दो बार घड़ी देखती हैं, दिन में दो बार पत्नियां घड़ी देखती हैं। कब कब देखती हैं? जिसका पति शील स्वभाव का हो, जिसका पति व्यवहार कुशल हो, जिसका पति प्रेमी हो, सब प्यार करता हो परिवार से बच्चों से, उसकी पत्नी शाम को 7 बजे के बाद घड़ी देखने लग जाती है, अभी ना आएगा लाला, देखियो तेरे पापा ना आए। शाम को 7 बजे के बाद वो घड़ी देखने लग जाती है। लेकिन जिसका पति गुस्सेल हो, जिसका पति क्रोधी हो, उसकी पत्नी सुबह 8 बजे से ही घड़ी देखने लग जाती है कि अभी ना आए गए। बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी अभी पापा ना आए गए, वो भी परेशान है कि कब जाइए कमखत घर से। व्यवहार होना चाहिए, और ऐसा व्यवहार हो। अब आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आपको कौन सा टाइम देखना पसंद है, कौन सा पसंद है? आपकी पत्नी सुबह 8 बजे घड़ी देखे वो पसंद है, या शाम को 7 बजे? कौन सा पसंद है? 7 बजे? तो फिर ऐसा व्यवहार बनाइए, ऐसा प्रेम बनाइए परिवार में, ऐसा व्यवहार बनाइए परिवार में कि वो 7 बजे के बाद घड़ी देखने लग जाए कि कब आएंगे। ऐसा व्यवहार, व्यवहार देखना है तो भगवान राम का देखिए, क्या व्यवहार है, क्या वाणी में मिठास है। भगवान राम का इतना व्यवहार कुशल है, भगवान राम की वाणी में इतना मिठास है, तो आज दुश्मन का भाई भी अपना हो गया। और रावण के व्यवहार कुशल नहीं है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, वाणी में मिठास नहीं है, तो उसका सगा भाई भी उसे छोड़ के चला गया। विचार करो, अगर व्यवहार नहीं होगा तो तुम्हारा सगा भी पराया हो जाएगा, और व्यवहार अगर होगा तो तुम्हारा दुश्मन भी अपना हो जाएगा। इसलिए व्यवहार अगर ठीक हो गया तो सातों बार तुम्हारे अपने आप ठीक हो जाएंगे। विचार करो, भगवान राम 14 वर्ष के बाद जब लौट करके अयोध्या आए तो राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या खड़ी है, तीनों माताएं खड़ी है। राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या खड़ी है, राधा रमन जी कथा सुन लो, बच्चे तो खिलानी है, जिंदगी भर खिलाते रहना। क्या कह रहा हूं मैं?
भगवान राम 14 वर्ष के बाद जब लौट करके आए तो तीनों रानियां खड़ी हैं, राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या भी खड़ी है और लखन को जन्म देने वाली माँ सुमित्रा खड़ी है, जिसने अपने पुत्र को आजीवन भगवान के चरणों में उसे लगा दिया। कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा समर्पण है। और एक भगवान को यहाँ पर वनवास भेजने वाली केकई भी खड़ी है, लेकिन आज भगवान राम ने सबसे पहले मस्तक झुका के प्रणाम किया है तो केकई को किया, अपनी जन्म देने वाली माँ को नहीं किया। सुमित्रा को, लखन को जीवन भर के लिए सेवा में लगा दिया, उसकी माँ को नहीं किया, और केकई ने जिसने वनवास दिया उसको प्रणाम किया। और उसी समय केकई की आंखों में आंसू आ गए और उठाते हुए कहा, राम इसलिए दुनिया तुझे भगवान कहती है, इसीलिए दुनिया तुझे भगवान कहती है, तूने अपनी जन्म देने वाली माँ को प्रणाम नहीं किया। और जिसने अपने बालक को जीवन पर्यंत सेवा में लगा दिया उस सुमित्रा को भी प्रणाम नहीं किया, और मैं ऐसी अभागिन, इसीलिए तुझे भगवान कहते हैं राम, इसलिए तुझे भगवान। व्यवहार राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले सो ही जान ले आरा जा, हम बैठे हैं तो यही सीखने को तो बैठे हैं। व्यवहार सब चाहते हैं कि हमारी पत्नी शाम को 7 बजे घड़ी देखे, लेकिन ऐसा व्यवहार तो बनाओ, ऐसी स्थिति तो बनाओ कि आप ऐसे तो हो कि कम से कम तुम्हारी याद करें। मैं ज्यादातर कहा करता हूं, कल भी बहुत चर्चा चली थी फल को लेकर के, कि कच्चा फल है तो वो कड़वा है और पका हुआ फल मीठा है, और वाणी में मिठास होना बहुत जरूरी है। और मैं ज्यादातर बहुरानियों से कहता हूं कि चाय भले ही सास को फीकी पिला देना, लेकिन उसे पी लेगी, अगर मीठा पीना होगा तो ऊपर से चम्मच से डाल लेगी, पर फीकी चाय फेंकी नहीं जाएगी। अगर चाय में मीठा नहीं है तो फेंकी नहीं जाएगी, वो काम आ जाएगी, लेकिन वाणी में अगर मीठा नहीं है तो वो किसी के काम नहीं आएगी। वाणी में मिठास होना चाहिए, वाणी में मिठास नहीं तो वो किसी के काम की नहीं है। पानी अगर मर्यादा तोड़ देगा तो नाश करके रख देगा। जब जब पानी मर्यादा तोड़ता है, बाढ़ आती है तो नाश करके रख देती है। पानी मर्यादा तोड़ देगा तो नाश करके रख देगा, और वाणी मर्यादा तोड़ देगी तो सर्वनाश करके रख देगी। वाणी ने अगर मर्यादा तोड़ दी तो सर्वनाश। और प्रमाण है महाभारत, जहां वाणी ने मर्यादा तोड़ी तो सर्वनाश हो गया। इसलिए व्यवहार होना चाहिए, मीठा बोलना सीखिए, मधुरता लाइए,
वाणी ने मधुरता लाई। कथा सुनने के बाद अगर बदलाव नहीं आया जीवन में तो फिर कथा सुनना ही बेकार है। मैंने कल भी बताया था कि काय को इतनी संपत्ति खर्च की जा रही है, क्यों, क्या कारण है? कि हमारा जीवन अगर बदल गया परलोक तक काम आने वाली चीज है। बाकी तुम कितने भी संपत्ति इकट्ठी कर लो, कितने भी व्यवस्था कर लो, लेकिन व्यवहार ही नहीं है। कितने भी बड़े ऊंचे हो जाओ, तुम्हारी झोपड़ी पर, तुम्हारे कमरे पर, तुम्हारे महल पर, तुम्हारी कोठी पर कोई झांकेगा नहीं। हाँ? हाँ, जितने भी गरीब लोग हैं, व्यवहार घोसले जिसमें वास्तव में सनातन धर्म की संस्कृति जिनके अंदर है, वो अपने गेट पे लिख देते हैं कि स्वागतम, अंग्रेजी में लिखे तो वेलकम। सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज जितना ज्यादा बढ़ गया है, जितना पैसे वाला हो गया, वो गेट पे लिख देता है कुत्तों से सावधान। और ये मत समझना है तो उसमें इंसान ही रहते हैं मकान में, कि सो समय को कुत्ते ही रहते हो, रहते तो मकान में इंसान ही है लेकिन लिखा है कुत्तों से सावधान। क्या स्थिति हो गई भाई? आज व्यवहार नहीं रहा, संस्कृति नहीं रही, प्रेम नहीं रहा। समर्पण जहां तर्क है वहां नरक है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। मध्य रात्रि में आके जगाया पांडवों को, चलो गंगा जी, बोले चलो गंगा जी। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी बाहवा है उधर भी बाहवा है, इधर भी बाहवा है उधर भी बाहवा है। पांडवों ने कोई शिकायत नहीं की कि आपको गंगा स्नान जाना था तो पहले क्यों नहीं बताया। यही समर्पण है। ना कोई सिकवा ना कोई अरजी, ना कोई सिकवा ना कोई अरजी, ना कोई सिकवा ना कोई अरजी, ना कोई सिकवा ना कोई अरजी। कर लो करा लो भगवान तुम्हारी जो मर्जी, कर लो करा लो भगवान तुम्हारी जो मर्जी, कर लो करा लो भगवान तुम्हारी जो मर्जी, कर लो करा लो भगवान तुम्हारी जो मर्जी। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूं, चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा।
समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व प्राण से प्यारे, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व प्राण से प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसको बजूंगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसको बजूंगा, छोड़ कर नाथ किसको भजूंगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसको भजूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवान कुछ तुम्हीं से कहूंगा, कहना भी होगा जो कुछ तुम्हीं से कहूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं सब मेरी सतगुरु कृपा से, कृपा दृष्टि सब मेरी सतगुरु कृपा से, कृपा दृष्टि सब मेरी सतगुरु कृपा से, कृपा
सृष्टि सब मेरी सतगुरु के पास है। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम पावन लहूंगा, नारायण प्रभु प्रेम पावन लहूंगा, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा, 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 जहां ले चलोगे भगवान वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे 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 वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी बह बहे उधर भी बह बहे, इधर भी बह बहे उधर भी मध्य रात्रि में जगाया, मध्य रात्रि में पांडव चल पड़े, समर्पण है पांडवों का, इसलिए तो पांडवों के रथ की डोरी भगवान ने स्वयं थाम ली है। लोग कहते हैं कि अर्जुन की डोरी भगवान ने अपने हाथ में ले ली कि, लेकिन हमारी तुम्हारी डोरी परमात्मा अपने हाथ में क्यों नहीं ले रहा है? क्या अर्जुन में हमसे कोई ज्यादा खूबियां हैं क्या? अर्जुन पांच गुणों से संपन्न है, धर्म बल बुद्धि ज्ञान दया। अर्जुन जीव के पास पांच गुण हैं, धर्म युधिष्ठिर है, बल भीम है, बुद्धि ज्ञान नकुल और सहदेव है, द्रौपदी दया है। अर्जुन जीव के पास ये पांच गुण हैं और हमारे पास इन पांचों में से एक भी नहीं है। अर्जुन की डोरी भगवान ने अपने हाथ में ले ली है, हमारी तुम्हारी डोरी क्यों नहीं लेता है? कारण क्या है? अर्जुन जीव के पास पांच गुण हैं, धर्म बल बुद्धि ज्ञान और दया। धर्म युधिष्ठिर है, बल भीम है, बुद्धि ज्ञान नकुल और सहदेव है, द्रौपदी दया है। लेकिन विशेषता क्या है? अर्जुन जीव ने धर्म युधिष्ठिर को अपना बड़ा भाई मान रखा है। और भगवान कहते हैं जो धर्म को बड़ा भाई मान लेता है उसकी डोरी में अपने हाथ में ले लेता हूं। अर्जुन ने धर्म को बड़ा मान रखा है और हम तुम लोगों ने संसार को बड़ा मान रखा है।
अर्जुन कोई भी कार्य करता है तो पहले धर्म युधिष्ठिर से आज्ञा